वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईसीटी बुक्स। ओके, टेक आउट योर आईसीटी बुक्स, पेज नंबर 35। ओके, वी विल रिवाइज सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइजेस। Okay, so what was the first point of this chapter? We should always place the mouse on a mouse pad. Okay, so what was the first point? हमने क्लास में भी पढ़ा था कि माउस को हमेशा, जो हमारा कंप्यूटर माउस होता है, सबने यूज़ किया होगा, उस माउस के लिए हमें हमेशा माउस पैड यूज़ करना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या था? वी शुड होल्ड द माउस प्रॉपरली। हमें माउस को प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए। प्रॉपरली कैसे होल्ड करते हैं? दोज स्टूडेंट्स हु आर राइट हैंडेड, वो सारे स्टूडेंट्स जो राइट हैंड यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए, उनको अपने इंडेक्स फिंगर, दैट इज़ योर फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट बटन पर रखना होता है और मिडिल फिंगर को राइट बटन पर रखना होता है। ठीक है, और दो स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट हैंडेड, जो अपने लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, उनको अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को राइट बटन पे रखना होता है और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को लेफ्ट बटन पे रखना होता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू होल्ड माउस। ओके, सब इसी तरह माउस हैंडल करते हैं ना, सब इसी तरह यूज़ करते होंगे माउस को। ठीक है, और अगर आप नहीं करते थे तो अब तो हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब हमें पता है कि हमें कैसे माउस यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। ओके, सो हाउ मेनी बटन्स डज माउस हैव, माउस के कितने बटन्स होते हैं? माउस हैज़ 2 बटन्स एंड 1 स्क्रोलिंग व्हील इन द सेंटर। सबने देखा होगा माउस में 2 बटन्स जहाँ होते हैं, उसके सेंटर में हमारे पास एक स्क्रोलिंग व्हील होता है, जिसको हम स्क्रोल करके अपने स्क्रीन पे अप या डाउन कर सकते हैं पेजेस को, राइट। तो दीज are called mouse buttons. Okay, so what is a mouse pointer? हमारे पास mouse pointer क्या होता है? Mouse pointer, आप सब जब mouse use करते हैं तो mouse को जब हम rotate करते हैं या move करते हैं तो हमारे पास screen पे, computer की monitor screen पे, we can see a pointer. Pointer क्या होता है? An arrow. अ लिटल स्मॉल एरो। हम सब जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर पे देखते हैं कि एक एरो हमारे पास आ रहा होता है जो थिंग्स को पॉइंट कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर। ओके, वेन एवर वी प्रेस द लेफ्ट बटन, जब भी हम माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करते हैं तो वॉट इज़ इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट क्लिक। ओके, एंड वेन एवर वी प्रेस द राइट बटन, इट इज़ कॉल्ड एज राइट क्लिक। ओके, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रेस लेफ्ट बटन ट्वाइस, वॉट डज ट्वाइस मीन? ट्वाइस मीन्स वी, इफ़ वी प्रेस लेफ्ट बटन 2 टाइम्स, अगर हम 2 टाइम्स अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें, सो दैट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक। ओके, आई होप यू ऑल हैव नाउ रिकॉल्ड द चैप्टर। सबको याद आ गया होगा कि हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, so now we will move forward towards the exercises. अब हम इसकी exercises solve करेंगे। okay, so every student take out page number 36 in your ICT books. okay, we will gonna solve the exercises of chapter computer mouse. okay, students look at exercise A, that is choose the correct word in right in the space provided. Okay, so what is the first point of this exercise? The first point is the dash helps to point things on a computer. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सबको बताया था कि हम माउस जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? माउस कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे पास चीज़ें पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर मॉनिटर, माउस और मंकी। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि इसका करेक्ट आंसर है माउस।
The mouse helps to point things on a computer. Okay. Now moving towards point number two, that is, the sound you hear on pressing a button is called, जब भी हम अपना माउस का बटन क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे पास कौन से साउंड प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस में देखते हैं हम, क्लिक होता है, कट होता है या हिट होता है. अब सारे बच्चे जल्दी से अपने घर पे जो आपके पास माउस है उस माउस को यूज़ करें, उसका बटन जो है प्रेस करके साउंड हियर करें, कौन सा साउंड आ रहा है आपके पास. यू ऑल मस्ट हियर अ साउंड ऑफ क्लिक. आप सबको क्लिक की आवाज़ आ रही होगी, क्लिक क्लिक. ठीक है, तो नंबर टू पॉइंट जो है हमारे पास, द साउंड यू हियर ऑन प्रेसिंग अ माउस बटन इज क्लिक. सो मार्क पॉइंट नंबर ए, क्लिक, एंड राइट क्लिक इन द ब्लैंक एज वेल. ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड ब्लैंक. थर्ड ब्लैंक इज द डैश इज ऑलवेज कैप्ट ऑन अ माउस पैड. हमने अभी पढ़ा था कि हमें किस चीज़ को माउस पैड पर रखना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर का पार्ट हमें माउस पैड पर रखना चाहिए. ऑप्शंस में देखते हैं, हाउस माउस, कंप्यूटर माउस या ड्रेन माउस. यस, द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर माउस. सो एवरी स्टूडेंट मार्क पार्ट नंबर बी, कंप्यूटर माउस, एंड राइट कंप्यूटर माउस इन द ब्लैंक एज वेल. ओके, नाउ नंबर फोर्थ इज, व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू टाइम्स. जब हम लेफ्ट वाले माउस के बटन को टू टाइम्स प्रेस करते हैं तो वो कौन सा क्लिक कहलाता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या डमी क्लिक. यस, इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक. ओके, तो सब पॉइंट नंबर फोर पे डबल क्लिक, दैट इज़ बी, उसको मार्क कर ले और ब्लैंक में भी अपने पास डबल क्लिक लिख लें. ओके, सब ने एक्सरसाइज ए कर ली. ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सरसाइज ए के आंसर्स रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, सब बच्चे जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लें. नंबर वन, द डैश हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. कौन से चीज़ हमें हेल्प करती है कंप्यूटर पे चीज़ें पॉइंट करने के लिए? करेक्ट आंसर इज माउस. ओके, राइट माउस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो हमें ब्लैंक दी हुई है उसके अंदर सब बच्चे माउस लिखें, एम ओ यू एस ई, माउस. ओके, सेकेंड इज, द साउंड यू हियर ऑन प्रेसिंग अ माउस बटन इज क्लिक. सब बच्चे नंबर टू वाली ब्लैंक में क्लिक लिखेंगे, सी एल आई सी के, क्लिक. ओके, नंबर थ्री इज, द डैश इज ऑलवेज कैप्ट ऑन अ माउस पैड. हमें क्या चीज़ माउस पैड पर रखनी चाहिए, कंप्यूटर माउस. ओके, तो सब बच्चे ब्लैंक नंबर थ्री में कंप्यूटर माउस लिखेंगे. ओके, सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर, फिर सब स्पेस देंगे, माउस, एम ओ यू एस ई, माउस. ओके, नंबर फोर इज, व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू टाइम्स इट इज़ कॉल्ड. जब हम लेफ्ट माउस बटन को दो बार क्लिक करते हैं तो व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज डबल क्लिक. ओके, सब बच्चे ब्लैंक में लिखेंगे, डी ओ यू बी एल ई, डबल, स्पेस देंगे, क्लिक, सी एल आई सी के, डबल क्लिक. ओके, सब ने एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर ली. अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी. ओके, सो व्हाट इज एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स. वाओ, ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप सबको पसंद है. इसमें हमें क्या करना है, जो मिसिंग लेटर्स होंगे हमारे पास वो हम फिल करेंगे. ओके, नंबर वन इज, माउस हैज़ टू buttons. Okay, so the first alphabet that is missing is U. Write U in the first space. Okay, then write T and then N. तो हमारे पास क्या बन गया ये word, buttons. Okay, as you can see on the screen as well, teacher has filled it up for you. मैंने आप लोगों के लिए fill किया हुआ है, आप इसमें से देख के भी
कॉपी डाउन कर सकते हैं. ओके, नंबर टू इज द माउस इज कैप्ट ऑन अ डैश पैड. विच पैड? माउस पैड. तो हमारे पास यहाँ पे माउस की स्पेलिंग क्या होती है? एम ओ यू एस ई. यहाँ पे उन्होंने हमारे पास एम लिखा हुआ है, उसके बाद स्पेस है, उस स्पेस में क्या आएगा? ओ. उसके बाद हमारे पास यू लिखा हुआ है, यू के बाद फिर स्पेस है, तो यू के बाद क्या आएगा? एस एंड देन ई. ओके, सो इट इज़ माउस पैड. नंबर थ्री इज द एरो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. ओके, सो पॉइंटर की स्पेलिंग हमारे पास क्या होती है? पी ओ आई एन टी ई आर. अब यहाँ पे उन्होंने हमें पी लिख के दिया हुआ है, फिर ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा? ओ. फिर हमारे पास आई लिखा हुआ है और फिर ब्लैंक है, उसमें क्या आएगा? एन. फिर हमारे पास टी लिखा हुआ है और फिर ब्लैंक है, उसमें क्या आएगा? ई. एंड देन एट द एंड आर. ओके, पॉइंटर. नंबर फोर इज प्लस प्रेसिंग ऑन द लेफ्ट बटन इज कॉल्ड, जब हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है? लेफ्ट क्लिक. तो हमारे पास लेफ्ट की स्पेलिंग क्या है? एल ई एफ टी. तो हमारे पास एल लिखा हुआ है, देन हमारे पास ई मिसिंग है तो हम ई लिखेंगे, फिर एफ लिखा हुआ है और टी मिसिंग है तो हम टी लिखेंगे. ओके, एंड देन हमारे पास क्लिक का सी लिखा हुआ है, एल मिसिंग है तो हम एल लिखेंगे, देन आई गिवन है, सी मिसिंग है तो हम सी लिखेंगे, एंड के हमारे पास है, सो इट इज़ लेफ्ट क्लिक. ओके, हैव यू ऑल डन? ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी, दैट इज टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. हमें इसमें जो पॉइंट्स सही हैं उन पे टिक लगाना है और जो पॉइंट्स गलत हैं उन पे क्रॉस लगाना है. ओके, सो अ माउस हैज़ फाइव बटन्स. क्या हमारे माउस के पास फाइव बटन्स होते हैं? नहीं. सो इट इज़ रॉन्ग. मार्क क्रॉस इन द बॉक्स. ओके, माउस के कितने बटन्स होते हैं? माउस के तो टू बटन्स होते हैं, तो इसलिए ये क्रॉस है हमारे पास नंबर वन. सो मार्क क्रॉस इन द बॉक्स. नंबर टू इज़ माउस पैड हेल्प्स टू कीप अवे डस्ट. इसमें हमारे पास लिखा है कि क्या माउस पैड हमें मिट्टी लगने से बचाता है माउस को हमारे? यस, हमने पढ़ा था ना कि माउस को जब हम माउस पैड पर यूज़ करते हैं तो उसमें मिट्टी नहीं लगती, डस्ट नहीं लगती. ओके, सो मार्क टिक इन द बॉक्स. नंबर थ्री इज व्हेन यू प्रेस अ माउस बटन यू हियर अ क्लिक साउंड. जब भी हम माउस का बटन प्रेस करते हैं तो हमें क्लिक साउंड आता है ना. सो द थर्ड वन इज करेक्ट. थर्ड वन इज टिक. ओके, मार्क टिक ओवर देयर. ओके, माउस पैड. नंबर फोर इज माउस पैड शुड नॉट बी यूज्ड. क्या हमें माउस पैड नहीं यूज़ करना चाहिए? हमें तो माउस पैड यूज़ करना चाहिए. तो ये वाला पॉइंट नंबर फोर हमारा रॉन्ग है, सब इस पर रॉन्ग मार्क कर दें. ओके, नंबर फिफ्थ इज माउस हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. क्या माउस की मदद से कंप्यूटर पे थिंग्स को पॉइंट कर सकते हैं? यस, वी कैन. तो पॉइंट नंबर फाइव पे सब टिक मार्क कर दें. ओके, ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज डी. इसमें हम आज दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नंबर वन इज हाउ मेनी बटन्स आर देयर ऑन अ माउस. कितने बटन्स होते हैं माउस पे? हमारा माउस भी बना हुआ है राइट साइड पे, आप सब देख रहे होंगे बुक में, ठीक है, ऑन पेज नंबर 37. कितने बटन्स हैं? टू बटन्स हैं. सो आंसर क्या है हमारे पास? देयर आर टू बटन्स ऑन अ माउस. ओके, सब बच्चे लिख लें जल्दी से, देयर आर टू बटन्स ऑन अ माउस. ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज़ अ माउस पॉइंटर. ये राइट साइड पे सब आप देख रहे हैं, पॉइंटर एक बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है. तो ये एरो क्या होता है हमारे पास? ये एरो हमारे पास स्क्रीन पे चीज़ें पॉइंट करता है. सो व्हाट इज़ माउस पॉइंटर? द एरो ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. सब बच्चे स्क्रीन पे देखें और उस पर से देख के अपने पास क्वेश्चन टू का आंसर लिखें. द एरो ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. ओके, सब ने यहाँ तक काम कर लिया ना? ओके,
सो इसके आगे जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी कंप्लीट करेंगे। जब तक के सारे बच्चे जितना काम आज हमने किया है एक्सरसाइज ए बी सी एंड एक्सरसाइज डी के 2 क्वेश्चंस, सब बच्चे अपना काम ये कंप्लीट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई नो यू ऑल आर वेरी गुड एंड ओबीडियंट स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपना काम ज़रूर कंप्लीट करके आएंगे। ओके, सो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।